गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वीडियो ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर क्लास सेवेंथ एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट ए. ओके, इन क्वेश्चन फोर वी डू द एडिशन ऑफ इंटीजर्स नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन है -18 + 14. इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं. दो डिजिट आपको गिवन है यहाँ पे, इन दोनों को मैं ऐड करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. -18 + 14, माइनस प्लस माइनस, अगर अपोजिट साइन है तो हमारा ऐड क्या आता है, माइनस. और जब सेम साइन होते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस. स्टूडेंट्स, एडिशन के फॉर्म में हम ये करते हैं. तो प्लस माइनस माइनस, 18 में से आप 14 लेस करेंगे तो आप कितना बचेगा, 4 आपका रिमाइंडर, 4 आपका बचेगा. और साइन किसका आएगा, जिसकी डिजिट ग्रेटर होती है. डिजिट हमारी ग्रेटर किसकी थी, माइनस की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -26 - -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज 29. डिजिट किसकी ग्रेटर है, माइनस की, तो माइनस का सिंबल आ जाएगा. थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एज ए होमवर्क करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -613 - 421 - 700, इन तीनों डिजिट्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, फिर उसका एडिशन फाइंड आउट करना है. तो पहले हम दो डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस. ओके स्टूडेंट्स, अब 613 - 421 को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा, 3 + 1 = 4, 1 × 3 and 6 = 10. फिर ये आपका एज इट इज कॉपी हो जाएगा. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. इसमें हमें क्या करना है, सेपरेट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इन ईच केस. फर्स्ट इंटीजर को हमें सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, 18 - 6, दैट इज 12, दैट इज वेरी इजी. थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड इसका होमवर्क में क्या आप लोग सॉल्व करेंगे इसको. एंड नेक्स्ट वन इज 12, -7. -7 में से आप इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 19. माइनस माइनस प्लस, 7 + 12 = 9. और जो हमारे दो डिजिट माइनस की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, माइनस की आपकी डिजिट आ जाएगी. नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब इन दोनों डिजिट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22, और इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे. माइनस माइनस प्लस तो 24. सिंबल किसका आएगा, जो डिजिट ग्रेटर है, कौन सी डिजिट ग्रेटर है, माइनस की ग्रेटर है. ओके स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क कर लीजिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टेक्ट टू मी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स, फिल इन द बॉक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू. हमें जो इक्वेशन दे रखी है, हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है, उसके हिसाब से हमें सिंबल्स को कोट करना है. -1 - 5, तो प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6. माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट अ मिनट. ओके, तो ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा. -2 क्या होता है, -6 ग्रेटर होता है, तो आपका सिंबल ग्रेटर वाला यहाँ पे पुट कर देगा. क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आप एज ए होमवर्क करेंगे. लास्ट क्वेश्चन देखिए, -135 + 64, ये आपकी एक्सप्रेशन दे रखी, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें. मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, आपका कितना आ जाएगा, 105. इधर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 30 आएगा. आप इन दोनों डिजिट को सॉल्व करेंगे तो 241, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 82 प्लस का आएगा. तो 82 प्लस का हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, इट इज़ ग्रेटर. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू.